ये है सारनाथ के अंदर स्तूप, बहुत बड़ा है। इसके अंदर भी जाते हैं क्या? बंद है भाई, अंदर अलाउड नहीं। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आई होप कि आप लोग सब सेफ एंड बढ़िया होंगे। अभी गाइज हम निकल रहे हैं बनारस, सामान रेडी हो चुका है, गाड़ी भी आ चुकी है, मैं डालना सारा सामान। चलो भाई डीजल डलवाते हैं, अब यहाँ से टंकी फुल करवाते हैं। 2001 का डलवा लिया गाड़ी में। हाँ यही। अभी गाइस गाड़ी लेके रुके हैं यहाँ पे साइड में जूस पीने के लिए, तो जूस पीते हैं फिर निकलते हैं बनारस के लिए। बस पहुँचने वाले हैं, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ से। फाइनली जूस आ चुका है। बहुत गर्मी है सही में, अंदर फिर भी ठीक है। यहाँ पे स्टेशन भी मंदिर जैसे बना रहे हैं। हम लोग फाइनली बनारस पहुँच चुके हैं और बहुत ट्रैफिक हो रहा है। आगे आ गए क्या? है तो यहाँ पे कचरी 2 किलोमीटर, ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दीदी के घर, यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब चलते हैं अंदर और थोड़ी देर बैठ के फिर यहाँ से निकलेंगे और पूरा बनारस घूमने के लिए। कैसा लग रहा राजू भी आकर? हालत तो ख़राब हो गई लेकिन ठीक है। चलो अब सामान निकालते हैं सारा। अभी गाइस हम लोग वहाँ से दीदी को छोड़ के हम लोग निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं भाभी के घर। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, वेट कर रहे हैं भाभी का, भाभी यहीं पे आने वाली हैं। तो अभी यहाँ पे बैठ के अपना मस्त कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक पोपट चल रहा है बहुत बड़ा, इसी में से भाई गर्म हवा निकल रही है और गर्मी बहुत है ना? बहुत गर्मी है, गर्मी के मारे इतना पसीना हो रहा है ना भाई, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले तो मौसम बहुत बढ़िया था जब यहाँ पर आए थे, लेकिन अब 3-4 दिन से इतनी धूप तेज हो रही है कि हालत ख़राब हो गई है। कभी बाहर जा रहे हैं, कभी शीशे खोल रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं और एसी में से भी गर्म हवा आ रही है। एक तो गाने भी नहीं बज रहे इसमें, याद दिला दे रहे हैं पुराने जमाने के। हाँ एफएम चल रहा है, एफएम कोई गाने नहीं है, एफएम सुनो, ब्लूटूथ नहीं है इसमें, एफएम चल रहा है खाली। चश्मा मस्त लग रहा है राजू भैया, शुक्रिया शुक्रिया। जूस पीते हैं, चलो चलो भाई बाहर ही चलते हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ तो थोड़ा सुकून भी है। चलो बाहर निकलते हैं तब जा रहे हैं इंसान, जल्दी हमारा घूमना फिरना यूट्यूब पे देखेंगे आप जल्दी दे जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आएगी सब आ जाएगी, बाय। अभी गाइज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब चलते हैं घूमने पूरा बनारस, अब मजा आने वाला है। आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अब। बस भैया क्या करोगे, वापस जाना है क्या? मन तो नहीं कर रहा जाने का लेकिन अब जाना भी पड़ेगा, मजबूरी है। हम लोग एक जगह पहुंचे हैं, देखो भाई यहाँ पे टिकट हो रही है, तो राजू भी वहाँ पे करवा रहे हैं। अभी चलते हैं अंदर और राजू वैसे पूछ के बताता हूँ मैं कि कौन सी जगह है, अंदर चल के पूरी डिटेल में चीज़ें दिखाऊंगा, एकदम मज़ा आने वाला है। फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो घुमाते हैं आज पूरा बनारस आपको। गाइस हम लोगों ने एंट्री कर ली है यहाँ पे और देख सकते हो पीछे भाई बहुत बढ़िया व्यू है। ऐसी लोकेशन है यहाँ पे, ये है सारनाथ, देख सकते हो, हमें वहाँ जाना है यहाँ से घूम फिर के। अब हम यहाँ से पूरा यहाँ से घूमते हुए जाएंगे वहाँ पे, तो चलते हैं और पूरा एक एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है। बस कॉमन यही है फूल और कुछ नहीं है। धर्म चक्र जिना विहार गुफा बनी पड़ी है ये, देखो गाइस ये पता नहीं क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है। अगर कोई गाइडर होता ना तो हमें ढंग से समझाता, लेकिन यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये, तो ये चीज़ें बाद में, इसके बाद में घर जाके पढ़ाई करेंगे जब देख बताऊँगा क्या चीज़ें। पुराने ज़माने के पत्थर है, ये चिड़ियाघर जैसा लग रहा है एकदम। अजू भैया मोर वो देखो दिख रहा है, दिखा कहाँ है? अरे यार वो देखो नहीं, डरा के दिख गया, भाग गया है ना अभी, कि बारा सिंगा है ना। चले चलो इसे राजू भैया, लग रहा है चिड़ियाघर में ही आ गए हैं। ये है सारनाथ के अंदर स्तूप, बहुत बड़ा है। इसके अंदर भी जाते हैं क्या? बंद है बाहर से ही भाई, अंदर अलाउड नहीं है, बाहर से ही दिखा रहा हूँ इसे। ये है कोरोना के टाइम पे जो डिस्टेंस, हाँ कोविड के टाइम पे बनाए इतना डिस्टेंस, लेकिन 2 गज की दूरी बोली गई थी, ये तो 4 है। उस तो रहस्य है इसके अंदर, देख रहे भाई दीवारों पे कुछ ना कुछ अलग अलग सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं। ये देखो भाई ये क्या चीज़ है, डोंट स्टिक गोल्डन फॉयल ऑन द, रास्ता तो है नहीं ऊपर जाने का, यहाँ से चलोगे? ये देखो भाई यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, पब्लिक यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट कर रही है मस्त।
अभी वहाँ भी जाना है। अभी जगह चलते हैं गाइस, अभी दिखाते हैं आपको। मेरे को पहले ऐसा लगा यहाँ मंदिर होगा कोई। ये देखो भाई, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कमलों द्वारा संपन्न हुआ। भाई मोदी जी आए थे यहाँ पे उद्घाटन के लिए तो लगा भाई यहाँ पे आके। लेकिन मैं सोच रहा था पहले कोई टेम्पल होगा, सारनाथ था ना, इसलिए लास्ट में मेरे को लगा कोई टेम्पल होगा, लेकिन घूमने की जगह है। अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं सारनाथ म्यूजियम। म्यूजियम ही है ना ये? हाँ म्यूजियम ही है। अभी चलते अंदर, हमारे पीछे जस्ट म्यूजियम लग नहीं रहा, म्यूजियम है, मंदिर लग रहा है कोई। अभी तो बन रहा है, कोई गाइडर होता ना तो बताता। अरे हमारे है ना? इतने पैसे नहीं है। हाँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, तो कैसे भाई कैसे पैसे आने भी चाहिए आपको कंटेंट बढ़ाने के लिए, आपको हर चीज़ के नॉलेज, तभी तो हम दे पाएंगे। है तो वैसे मंदिर ही है, म्यूजियम है कहाँ है। अभी अंदर ले चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। देखो भाई ये यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल है। हम लोग एक नई जगह आए हैं, ये देखो भाई यहाँ पे पीछे हमारे जस्ट है, बहुत बड़ा घंटा है। और यहाँ पे बुद्धिज्म को लेकर कुछ वो बना रखी है, मूर्तियाँ दिखाते हैं। यहाँ से जा सकते हैं अंदर? चलो भाई अंदर लेके चलते हैं। और ये देखो भाई यहाँ बना रखी है मूर्तियाँ, ये हमारे गौतम बुद्ध। अच्छा यहाँ पे। और ये देखो भाई यहाँ पे घंटी बना रखी है, बहुत बड़ी, आर्टिफिशियल या असली नहीं है, बस्ती नहीं है वैसे। और भी यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया भाई, देख रहे जगह। सही में भाई बनारस आके मज़ा ही आ रहा है एकदम। अभी तो हम यहाँ पे हैं सारनाथ में, ये सारनाथ म्यूजियम है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सब ने पता नहीं क्या क्या लगा रखे रंग बिरंगे, तो मज़ा आ रहा भाई बनारस में जो बात है। अभी हम सारनाथ से जाएंगे घाट पे, तो वहाँ भी ले चलेंगे आपको। इस पे दिखाओ क्या लिखा पड़ा है। प्रभु मुझे सुखी वैवाहिक जीवन दीजिए और संतान प्रदान करें, धन्यवाद। और देखो और भी है, I have to become a doctor। तो इस वीडियो को करते हैं एंड। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना ताकि आप नेक्स्ट पार्ट को सबसे पहले देख पाए। चलिए गाइस मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए सबको बाय बाय।